दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं यूनिक यूडीआईडी कार्ड आप कैसे बनाएंगे और यह कार्ड बनाने से आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। साथ ही दोस्तों यूनिक यूडीआईडी कार्ड बना करके आप उसे इजीली तरीके से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको पूरी डिटेल के साथ बताने वाले हैं। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए जिससे कि आपको पूरी जानकारी मिल पाए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको इसी तरह अपडेट मिलती रहे। दोस्तों यूडीआईडी कार्ड बनाने के लिए आपको सबसे पहले गूगल या फिर किसी भी क्रोम ब्राउजर में आपको यहां पर टाइप करना है यूडीआईडी। इतना लिखकर आप यहां पर जैसे सर्च करेंगे तो आपके सामने जो पहला वाला वेबसाइट देखने को मिल जाता है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, इस वाले ऑप्शन पर आपको यहां पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यूनिक डिसेबिलिटी आईडी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो इस प्रकार यहाँ पर खुल करके आ जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर जान लेते हैं कि यूनिक यूडीआईडी कार्ड कैसे अप्लाई करेंगे, उसके बाद हम आपको यहाँ पर इनका बेनिफिट्स बताएंगे यानी कि किन किन लोगों को यह बनाना चाहिए। तो सिंपली दोस्तों यूडीआईडी कार्ड बनाने के लिए सबसे ऊपर में ही देखेंगे तो आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है अप्लाई फॉर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट एंड यूडीआईडी कार्ड। सिंपली आपको इसी वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो अब आपको यहाँ पर चार स्टेप में फॉर्म को फिलअप करना होता है। पहले स्टेप में पर्सनल डिटेल, दूसरे स्टेप में आपको डिसेबिलिटी का डिटेल देना है और तीसरे स्टेप में यहाँ पर इंप्लॉयमेंट का डिटेल देना है और चौथे स्टेप में आपको आइडेंटिटी डिटेल देना है। इतना करते ही आपको यहाँ पर जो है यूडीआईडी कार्ड बन जाता है। तो सबसे पहले आपको पर्सनल डिटेल देना है। तो यहाँ पर देखिए जो भी एप्लीकेंट का फर्स्ट नेम होगा वो नेम आपको यहाँ पर जो है टाइप कर देना है, यानी कि जिनके भी नाम से आप यहाँ पर बनाना चाहते हैं उनका जो भी मिडिल नेम है मिडिल नेम यहाँ पर टाइप करेंगे, उनका जो भी सरनेम होगा सरनेम यहाँ पर टाइप कर देंगे। अब यहाँ पर हिंदी में आपको टाइप करना होगा तो आवेदक का पहला नाम हिंदी में लिखेंगे, उनके बाद मध्य नेम, फिर उनके बाद यहाँ पर आपको उपनेम लिखना है, उनके फादर्स का क्या नाम है इंग्लिश में टाइप करना है, फिर यहाँ पर उनके मदर्स का नेम इंग्लिश में टाइप करना है, उनका जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करेंगे, फिर इसी प्रकार आपको यहाँ पर हिंदी में डालना है, यहाँ पर हिंदी में माता का नाम डालना है। एज यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा, नहीं आता तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद जेंडर आपको सिलेक्ट करना है कि मेल है कि फीमेल, एक मोबाइल नंबर देना है, ईमेल आईडी है तो दे सकते हैं। उनके बाद मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा, कैटेगरी आपको सिलेक्ट करना होगा कि कौन सा कैटेगरी है। उनके बाद यहाँ पर आपको ब्लड ग्रुप पूछा जा रहा है तो जो भी आपका ब्लड ग्रुप होगा वो आप यहाँ पर बता सकते हैं। मैरिटल स्टेटस बताना है कि मैरिड है कि अनमैरिड है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर नेम ऑफ गार्जियन नेम बताना है, उनका कॉन्टैक्ट नंबर देना है, फिर उनके बाद यहाँ पर आपको एक फोटो को अपलोड करने के लिए बोला जाएगा जिनकी साइज यहाँ पर 15 से लेकर के 30 के भी होनी चाहिए तो आप यहाँ पर एक फोटो को अपलोड कर देंगे। अगर आप यहाँ पर सिग्नेचर देना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर दे सकते हैं, नहीं तो ये वाला ऑप्शन को आप यहाँ पर छोड़ भी सकते हैं। नीचे आपको यहाँ पर एड्रेस डिटेल मांगा जा रहा है तो आप यहाँ पर पूरा एड्रेस लाइन 1, 2, 3 में आपको पूरा एड्रेस इंग्लिश में टाइप करना है। इसी प्रकार जो भी आपका एड्रेस होगा हिंदी में आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। उनके बाद आपको अपना स्टेट चूज करना है कि आप यहाँ पर इंडिया के किस राज से हैं, तो जो भी आपका राज होगा अपने राज को इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे। उनके बाद डिस्ट्रिक्ट आपको यहां पर सिलेक्ट करना है कि आपका यहां पर कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, उनके बाद सब डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट करना है, फिर उनके बाद यहां पर विलेज का नाम आ जाएगा तो जो भी आपका विलेज का नेम पड़ता होगा विलेज का नेम को सिलेक्ट करेंगे। उनके बाद जो भी आपका एरिया का पिन कोड होगा पिन कोड डालेंगे। उनके बाद आपको एड्रेस प्रूफ देना होगा डॉक्यूमेंट में, तो यहां पर आपको कई सारे डॉक्यूमेंट देखने को मिल जाते हैं, इनमें जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है वो आप यहां पर दे सकते हैं जैसे कि राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, किसान पासबुक, कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो सिंपली आप अपने यहाँ पर आधार कार्ड भी दे सकते हैं, आधार कार्ड वाले ऑप्शन पर सिलेक्ट करें। उसके बाद दोस्तों आप अपने आधार कार्ड को यहाँ से जो है अपलोड कर पाएंगे। आधार कार्ड अपलोड करने के बाद अगर आपका परमानेंट एड्रेस भी सेम है तो आपको इस वाले बॉक्स में आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है, ऑटोमेटिक आपको यहाँ पर जो सारा एड्रेस फिलअप हो जाएगा। उनके बाद नीचे आने यहाँ पर आपसे एजुकेशन का डिटेल पूछा जा रहा है तो जो भी आपका एजुकेशन का क्वालिफिकेशन होगा वो आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर जो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट वाला ऑप्शन मिलता है, इस वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो अब आपको यहाँ पर जो दूसरे स्टेप में जाना पड़ेगा यानी कि अब आपको डिसेबिलिटी का यहाँ पर आपको डिटेल देना है, उनके बाद तीसरे स्टेप में आपको इंप्लॉयमेंट का डिटेल देना है और चौथे स्टेप में आपको आइडेंटिटी का डिटेल देना है। तो इस प्रकार आप यहाँ पर एक एक करके सभी डिटेल को डालेंगे, उनके बाद आपको फाइनल सबमिट कर देना है। दोस्तों जैसे आप यहाँ पर फाइनल सबमिट कर देते हैं दोस्तों आपको एक इनरोलमेंट आईडी मिल जाता है, उन इनरोलमेंट आईडी को आप अपने पास रख सकते हैं या फिर दोस्तों आपको प्रिंटआउट निकलेगा रिसीविंग के तौर पर, उन रिसीविंग को भी आप यहाँ पर जो डाउनलोड कर लेंगे। उनके बाद दोस्तों आपको कहीं पर भी कोई भी डॉक्यूमेंट जमा करने की जरूरत नहीं होती है, कुछ ही दिनों के अंदर आपका यूडीआईडी कार्ड बन जाता है। अगर आप ये चेक करना चाहते हैं यानी कि आपका यूडीआईडी कार्ड बना है या फिर नहीं बना है, उनका स्टेटस देखना चाहते हैं तो सिंपली दोस्तों आपको यहां पर बैक आना है। यहां पर आपको ऑप्शन मिल जाता है
ट्रैक योर एप्लीकेशन स्टेटस, इस वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपको एक ऑप्शन दिया गया है ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस, इस वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो नीचे देखिए आप यहाँ पर अपना एनरोलमेंट आईडी नंबर डाल करके देख सकते हैं, रिक्वेस्ट नंबर डाल करके देख सकते हैं, जो भी आपने मोबाइल नंबर डाला था उनके द्वारा भी देख सकते हैं, या आप अपने यहाँ पर आधार नंबर डाल करके भी आप यहाँ पर जो चेक कर सकते हैं। आधार नंबर डालने के बाद गो वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका पूरा डिटेल यानी कि स्टेटस आपको देखने को मिल जाता है। दोस्तों यूडी आईडी कार्ड बन जाने के बाद उसे घर बैठे आप इजीली तरीके से डाउनलोड भी कर सकते हैं। सिंपली दोस्तों यहां पर देखिए आपको एक ऑप्शन दिया गया है डाउनलोड योर ई डिसेबिलिटी कार्ड यानी कि यूडी आईडी कार्ड, तो आपको इसी वाले ऑप्शन पर आपको यहां पर क्लिक कर देना है। यहां पर आप जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने यहां पर डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन आ जाता है। अब आप यहां पर लॉग इन करने के लिए बोला जाएगा, तो जो भी आपको इनरोलमेंट नंबर मिला है वो अपने यहां पर इनरोलमेंट नंबर डालेंगे, या जो भी आपका यूडी आईडी नंबर आया होगा एसएमएस के तौर पर वो अपने यहां पर यूडी आईडी नंबर भी डाल सकते हैं। उनके बाद यहां पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करना है, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा अपने अकॉर्डिंग डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट कर लेंगे, ये वाला कैप्चा आपको यहां पर फिलअप करना है। उनके बाद लॉग इन वाले ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो दोस्तों आप यहां पर जो लॉग इन हो जाएगा। लॉग इन होने के बाद दोस्तों आप यहीं पर जो अपना यूडी आईडी कार्ड को घर बैठे मोबाइल से ही डाउनलोड भी कर सकते हैं, और डाउनलोड करने के बाद उसे प्रिंट करा करके इजीली तरीके से कहीं भी यूज कर सकते हैं। अब दोस्तों जान लेते हैं कि यूडी आईडी कार्ड बनाने से आपको क्या बेनिफिट्स मिलते हैं यानी कि क्या लाभ मिलता है। तो दोस्तों उनके लिए यहाँ पर आपको मेनू वाला ऑप्शन दिया गया, इस वाले ऑप्शन पर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। कार्ड बेनिफिट वाले ऑप्शन पर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या क्या लाभ मिलता है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। जैसे कि देखिए यहाँ पर बताया गया कि यह कार्ड बनाने से आपको यहाँ पर 3 लाभ मिलने वाला है। तो पहला यहाँ पर आपको लाभ मिलने वाला यहाँ पर बताया गया है कि विकलांग व्यक्तियों को दस्तावेज की कई प्रतियाँ बनाए रखने और कई दस्तावेजों को ले जाने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि कार्ड में सभी आवश्यक विवरण शामिल होंगे जिन्हें एक रीडर की मदद से डीकोड किया जा सकता है। यानी कि आप यह वाला कार्ड बना लेंगे तो आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है, वही कार्ड में आपका जितना भी दस्तावेज होगा वो सभी मौजूद रहता है, जिससे कि आपके ऊपर काफ़ी लाभ मिलता है यानी कि आपको कहीं पर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। दूसरा जहाँ पर आपको बेनिफिट मिलने वाला है, यहाँ पर बताया गया कि यूडी आईडी कार्ड भविष्य में विभिन्न लाभों का लाभ उठाने के लिए विकलांगों की पहचान सत्यापन का एकल दस्तावेज होगा। तो दोस्तों यह कार्ड बनाने से आप इन फ्यूचर कोई भी लाभ होगा तो वो आपको यहाँ पर जो दिया जाएगा। तीसरा जो बेनिफिट मिलने वाला है वो यहाँ पर बताया गया है, यूडी आईडी कार्ड यहाँ पर कार्यान्वयन के पदानुक्रम के सभी स्तरों यानी कि ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर, जिला स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्र स्तर पर भी लाभार्थी की भौतिक और वित्त प्रगति की ट्रेनिंग की सुव्यवस्थित करने में भी मदद करेगा। यानी कि आपको ये 3 बेनिफिट मिलने वाले हैं आपको यह कार्ड बनाने से। दोस्तों यह कार्ड उन्हीं लोगों के लिए है जो लोग यहाँ पर किसी भी प्रकार की डिसेबिलिटी पाए जाते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कोई विकलांग वगैरह या अंग में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम वगैरह। तो दोस्तों आप यह वाला कार्ड बना करके जितनी भी सरकारी योजना का स्कीम होता है उन सभी योजना का आप यहाँ पर लाभ ले सकते हैं। साथ ही दोस्तों अगर आपको किसी भी प्रकार की डिसेबिलिटी है तो दोस्तों इस टाइप का आपको ट्रेनिंग वगैरह भी दिया जाएगा, यानी कि आगे आपको इन फ्यूचर आपको जीने का एक मौका दिया जाएगा। जैसे कि कोई मान लेते हैं सिंगिंग करना चाहते हैं या कोई भी आपका कोई एम होगा तो वो सब भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके का आपको यहाँ पर यह कार्ड बनाने से लाभ दिया जाता है। आई होप दोस्तों कि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे और अपने दोस्तों के भी साथ जरूर शेयर कर दे ताकि उन लोगों को भी इसके बारे में जानकारी मिल सके।